तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। सब बढ़िया है ना भाभी जी? ठीक है जी, वो बिल्कुल ठीक है, पर आप क्यों इतने परेशान हो रहे? क्योंकि आप ही परेशान हैं आपको देखकर। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहिए। हमारी मिसेज जो है ना लीला, उसमें एक भन्नाट वाली बात है, बिना पूछे वो घर से बाहर नहीं जाती, बात कदम नहीं रखती बिना पूछे वो। क्यों, जिस जेल में वो रहती हैं उसके आप जेलर? अच्छा मजाक कर लेते हैं। दरअसल औरतों को ना इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। कौशल जी, एक औरत ही जन्म देकर हमें इस दुनिया में लाती है, और फिर बड़े होकर हम उसी औरत को सिखाने लग जाते हैं कि उसे इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। सुनने में बात बहुत स्टूपिड लगती है, नहीं? पर औरतों को आजादी देने वाले आप या मैं कौन होते हैं? औरतों के गले में जो मंगलसूत्र होता ना, उसे गहना ही रहने दीजिए, जंजीर समझने की गलती मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। इतना बड़ा रिस्क तो हम लेते नहीं है। ये चौकसी साहब की फाइल है, उन्होंने बोला ये फटाफट जरा काम खत्म कर दे। बैठिए प्लीज। टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच वैभव जी। नो, इट्स अ प्लेजर। I'm sorry, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, I understand. आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बिजी रहते होंगे। और आपने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मेरे लिए पोस्टपोन की। I'm so grateful. Trust me, अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसे स्टूपिड हरकत ना करती। I'm sure. Let me guess, आपका जरूरी काम क्या है? आपको मेरे कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट पसंद आया है और आपको उस पर एक भारी डिस्काउंट चाहिए, am I right? नहीं, मैं यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स का फ्लैट खरीदने नहीं आई हूँ। Oh, that's hurtful. दरअसल ऐसा कम ही होता है कि कपूर कंस्ट्रक्शंस के फ्लैट्स को देखकर कोई उसे रिजेक्ट कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मुझे रिजेक्ट किया है। एंड आई हेट रिजेक्शंस। आपको कौन रिजेक्ट कर सकता है मिस्टर कपूर? अरे यार, तुझे ना मेरे जैसा होना चाहिए था, हमेशा चार्ज। अरे मम्मी, आपने क्यों धो दिए बर्तन? मैं आ ही रही थी। चलो अब आपने धो दिए तो मैं इन्हें जगह पे रख देती हूँ। वो मैं ना आज बंगलो के ओनर से मिलने गई थी, मिस्टर अग्रवाल से, तो पता चला कि वो बंगलो तो बिक चुका है। अरे वाह, ये तो वाकई में गुड न्यूज है। मतलब ऊपर वाला भी चाहता है कि हम वो बेटर कंडीशन वाला ही फ्लैट लें। अब तो मैं दो खाऊंगा। जी नहीं, ऊपर वाला चाहता है कि हम वो बेस्ट बंगलो ही खरीदें। पता है वो बंगलो हमें पहले 1 करोड़ में मिल रहा था ना, पर अब हम उसे 85 लाख में खरीद सकते हैं। मैंने बंगलो के नए ओनर से बात की है और वो 85 लाख में मान गया। मतलब तुम सुबह से इस काम में बिजी थी? यार अक्कू पर डिस्कस तो करना चाहिए ना। तुम जाके उस बंगलो के ओनर से भी मिलाई, मुझे पता ही नहीं है। मानव, मैं तो सिर्फ ये पूछने गई थी कि वो नया ओनर बंगलो बेचने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। अगर वो मना कर देता तो मैं ये भाग दौड़ बंद कर देती, बट गेस व्हाट, वो बेचने के लिए मान गया। कौन है उस बंगलो का नया ओनर? कपूर कंस्ट्रक्शंस का CEO वैभव कपूर। टाटा। तुम यहाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, तुम्हारे लिए नहीं है ये तो, मेरी निहारिका के लिए है। हैप्पी, चश्मा निकालो ना। नहीं, अच्छा मैं निकालता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, my love. I miss you. राज, मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी बहुत खुश होगी ना, तुम्हारी दीदी का बर्थडे है आज। इसलिए आया हूँ मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए।
अब समझ में आ गया ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या हुआ, अपसेट लग रही हो? ओ, नाराज लग रही हो, ठीक है भाई, नाराजगी अपनों से ही तो होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। यार भूल जाओ ना बीती बातों को, वी आर अ फैमिली, हम एक परिवार है। तुम जानती हो पानी की अहमियत एक प्यासे को और परिवार की अहमियत एक अकेले को ही मालूम होती है। अब यहाँ पे तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ और उसे याद करने वाले तीन लोग कुल मिलाकर, तुम, मैं और तुम्हारी दीदी की बेटी आयशा। लेकिन आज हम दोनों साथ में, तो हम दोनों तुम्हारी दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से। जिस वैभव कपूर के कॉम्प्लेक्स में मैंने फ्लैट देखने तक से इनकार कर दिया था, तुम उसी से जाके मिलाई, क्यों? क्योंकि मुझे बंगलों के मालिक से फर्क नहीं पड़ता, बंगलों से पड़ता है। जीजा जी, अकू, मुझे ना बबली को शॉपिंग पे लेके जाना है, तो मैं चलता हूँ। तुम दोबारा उस आदमी से नहीं मिलोगी, वो इंसान सही नहीं है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे तो वो बहुत ही अच्छे इंसान लगे। वो मेरे कहने पे बंगलों बेचने के लिए तैयार हो गए, और तो और उन्होंने करण को भी एक जॉब ऑफर की है। इतने बड़े आदमी हैं वो, कितने बिजी रहते होंगे, पर फिर भी उन्होंने हमसे मिलने के लिए टाइम निकाला, और वो तुमसे मिलने के लिए भी तैयार है। मुझसे मिलना चाहता है? तुमने उसे बताया तुम्हारा पति कौन है? नहीं, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, लेकिन बंगलों की डील करने तो तुम्हें ही जाना होगा ना। ऐसी कोई डील नहीं होने वाली। क्यों, क्यों नहीं होगी? दो वजह, पहला तो वो बंगला 85 लाख रुपए का है, उसमें रेनोवेशन होगा कम से कम 25 लाख रुपए का, 1,10,00,000 रुपए हमारे बजट से बहुत ज्यादा है, और मेन वजह यह है कि वो वैभव कपूर का बंगला है और मुझे उससे कोई डील नहीं करनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें वैभव कपूर से प्रॉब्लम क्या है। पहले तुमने उनका फ्लैट लेने से मना कर दिया, अब बंगलो खरीदने के लिए तुम उनसे मिलने तक के लिए तैयार नहीं हो, क्यों? यार अक्कू, मैंने कहा ना वो आदमी सही नहीं है यार। उसके कॉम्प्लेक्स की फाइल आई थी मेरे पास अप्रूवल के लिए, उसमें उसने इतने झोल, इतने घोटाले किए थे कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो किए होंगे ना, बिजनेसमैन है वो, पैसा कमाने के लिए कुछ करना भी पड़ा होगा तो किया होगा यार। तुम्हारी तरह अगर सही गलत का तराजू लेके बैठ जाता ना तो हो गया होता बिजनेस। मानव, मैं उनसे 3 बार मिली हूँ और मुझे 3 बार वो बहुत ही वेल मैनर्ड और शांत किस्म के इंसान लगे। मैं भी 3 बार मिल चुका हूँ उससे, और हर बार वो मुझे 1 नंबर का झूठा, मक्कार, धोखेबाज, करप्ट, फ्रॉड टाइप का इंसान लगा है। मानव, तुम्हें ही परख है ना लोगों की, मैं तो ना समझूं, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं, तुम हर बार गलत नहीं होती, लेकिन इस बार तुम अनजान हो। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर चुका है यार, खुले में। एक बंगलो ऑफर कर रहा था मुझे इलीगल फेवर्स के बदले में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।